रिजॉर्ट और हॉलीडे होम प्रोजेक्ट कैसे बनाए, बहुत डिमांड में चल रहा है। बहुत लोग चाहते हैं अच्छा रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट बनाए या हॉलीडे होम का प्रोजेक्ट बनाए जहां उनके क्लाइंट्स को अच्छी रेंटल इनकम मिल सके, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई मिल सके। तो अगर ऐसा कुछ आपके मन में भी चल रहा है या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मोरे, एलसेट कोच, एलसेट ट्रेनर, एलसेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, 7 ऐसी प्रैक्टिकल स्टेप्स आज आपको बताऊंगा जो आपको मदद करेगी एक बहुत अच्छा हॉलीडे होम का प्रोजेक्ट या एक सेकेंड होम का प्रोजेक्ट डिजाइन करने में। सबसे पहला पॉइंट है बजट, डिमांड एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। आप हॉलीडे होम का प्रोजेक्ट या रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट कितने बजट के साथ शुरू करना चाहते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, 2 पार्टनर मिलके, 3 पार्टनर मिलके, पहले तो बजट क्लियर कर लीजिए अपना। दूसरा सबसे भी इम्पॉर्टेंट है डिमांड। आपकी सिटी के आसपास ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पहाड़, पानी हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, टाइगर रिजर्व हो, इसके आसपास अगर आप अपना हॉलीडे होम या सेकंड होम का प्रोजेक्ट या रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो चांसेस ज़्यादा है सफलता मिलने के, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिकली डिमांड है बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्लेसेस। सबसे पहली चीज़। उसके बाद लोकेशन। अब जब अगर आपके पास 5 ऑप्शन है तो कौन सा लोकेशन आपकी सिटी के आसपास सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। ये बेसिक लेवल की रिसर्च के बिना अगर आप हॉलीडे होम या रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट में जाते हैं तो चांसेस बहुत कम है सफलता के, क्योंकि फिर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ लोग खुद से जाना पसंद करते हैं। अगर आप एक सेक्लूडेड जगह पे अलग से अलग ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं हॉलीडे होम का या रिजॉर्ट का, तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जनरली लोग हॉलीडे होम या रिजॉर्ट में तब जाते हैं जब आसपास घूमने के लिए कोई अच्छी जगह हो, कोई बहुत अच्छा प्लेस हो। उसके बिना ये डिफ़िकल्ट है। सेकेंड, टीम मेम्बर सेलेक्शन। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपकी सिटी के अंदर नहीं होता, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, तो आपके पास बहुत एक्टिव टीम मेंबर्स चाहिए जो अलग अलग लेवल पे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में मदद करें। ये टीम मेंबर हो सकते हैं आपके को फाउंडर्स, आपके पार्टनर्स, ये टीम मेंबर्स हो सकते हैं आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ या ऐसे वेंडर्स जो एक्सपर्ट है ऐसे जगह में काम करने के, तभी आप किसी भी अच्छे रिजॉर्ट को या हॉलीडे होम के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे और अपनी ड्रीम को कंप्लीट कर पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। तो एक अच्छी टीम बहुत जरूरी है, बिना टीम के कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। अच्छी टीम, अच्छे पार्टनर्स, अच्छे कोफाउंडर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो। थर्ड, प्रॉपर रिसर्च एंड लैंड सेलेक्शन। अब जब लोकेशन फाइनल हो गया कि 5 में से 4 लोकेशन रिजेक्ट हो गए, ये एक लोकेशन फाइनल हुआ है, वहां पर अब आता है रियल रिसर्च करना कि कौन सा सबसे स्ट्रेटेजिकली लैंड एक्वायर आप करेंगे। लैंड एक्विजिशन का प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। सही लैंड का सिलेक्शन, लैंड का एक्वायरमेंट, एक्विजिशन सही होगा तो आपके रिजॉर्ट के, आपके हॉलीडे होम के चलने के चांसेस ज़्यादा है। कि कल कोई बड़ा ब्रांड भी इंटरेस्ट करे कि हम आपके साथ लेटर ऑफ इंटेंट LOI साइन करने को रेडी है, ये पूरा रिजॉर्ट आप बनाइए हम चलाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां आज बड़े बड़े रिजॉर्ट को टेक ओवर कर रही है, बड़े बड़े हॉलीडे होम के प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर रही है, अगर वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाए, सही लोकेशन पे बनाए और वहाँ डिमांड ज़्यादा है। तो ये एक बिजनेस का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव एज एन इन्वेस्टर सबके लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हर व्यक्ति के लिए बहुत काम की चीज़ है। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो, हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके मिस हो। रिसर्च में, एनालिटिक्स में हमें दिखा है कि लोग आते हैं वीडियो देखते हैं पर कभी कभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना भूल जाते हैं, तो वो करना ना भूले। पॉइंट नंबर 4, लैंडस्केप प्लानिंग। ये सबसे ज़रूरी है अगर किसी रिजॉर्ट की बात करी जाए या हॉलीडे होम की बात की जाए, तो ढंग का लैंडस्केप, एक अच्छी कंसल्टेंसी फर्म, एक अच्छी आर्किटेक्चरल फर्म जो लैंडस्केपिंग की एक्सपर्ट हो, क्योंकि बिना लैंडस्केपिंग के हॉलीडे होम की या रिजॉर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। जितना ज़्यादा आपके कंस्ट्रक्शन की वैल्यू, उससे ज़्यादा वैल्यू है लैंडस्केपिंग की। कैसे गार्डन डिज़ाइन हो रहे हैं, कैसे रूट मैप्स बन रहे हैं, कैसे प्लांटेशंस हो रहे हैं, कैसे फ्लावर्स है, ये सब एक अट्रैक्शन लाते हैं आपके प्रोजेक्ट में और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हॉलीडे होम या रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट में। पॉइंट नंबर 5, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूले। आपके लाइक करने से मेरी टीम को, हमें बहुत एनर्जी मिलती है ऐसे वैल्यू एडेड वीडियोस कंटिन्यू आपके लिए लाने की। पॉइंट नंबर 5, सैंक्शन एंड डू बैंक टाइप्स। अब प्रॉपर सैंक्शनिंग करके रिजॉर्ट या हॉलीडे होम का प्रोजेक्ट बनाइए। घाई घाई में जल्दी करके 2-4 सैंक्शनिंग मिस करके काम करोगे, इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी। पूरी सैंक्शनिंग्स लीजिए, पूरी परमिशंस लीजिए, जितनी भी परमिशंस और सैंक्शनिंग और NOCs आपके पास होंगे उतना प्रोजेक्ट इन फ्यूचर बिना टेंशन के आप चला पाएंगे। और आजकल प्रॉपर सैंक्शन के बाद अगर आप हॉलीडे होम या रिजॉर्ट बनाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट अगर ऐसा है कि आपको एक एक हॉलीडे होम बेचना है और मैनेज आप करने वाले हो, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उस केस में आप अगर बैंक टाइप कर लेते हैं अच्छे से तो लोगों को खरीदने के लिए एक फैसिलिटी मिल जाती है, और साथ में आप उन्हें मेंबरशिप प्लान दे देते, साल में 12 बार आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते, 5 साल में 60 दिन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें
आजकल इस हॉलीडे होम के बिजनेस में या रिजॉर्ट के बिजनेस में आपको देखने मिलेगी। सो एज एन इन्वेस्टर आपको ये सब समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, डिजाइन अ मार्केटिंग प्लान एंड मेंशन यूएसपीज। अब एक अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाइए कि कैसे आप इसे मार्केट करना चाहते हैं, कैसे आप इसे सेल करना चाहते हैं, कैसे आप इसे लीज पे देना चाहते हैं, जो भी आपका मॉडल हो। पहले तो मॉडल बहुत क्लियर होना चाहिए और उसके बाद इसकी यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मार्केट में जैसे आप कम्युनिकेट करोगे वैसे आपको इंक्वायरीज आएगी, वैसे आप मार्केट से क्राउड को पुल कर पाओगे और तभी जाकर आप एक बहुत बेहतरीन रिजॉर्ट या सेकंड होम का प्रोजेक्ट डिजाइन कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कि ये सब करने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है तो आप हमारे बोल्डन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल में सब कुछ सीख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके रियल स्टेट गेम चेंजर आज ही सीईओ कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो आपका मेरे साथ 1-to-1 30-to-45 minutes का एक कॉल, 50,000 वर्थ का कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गिफ्ट मिल सकता है। पॉइंट नंबर 7, डेवलप एमिनिटीज, स्टार्ट सेलिंग एंड कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम। अब सबसे पहले तो एमिनिटीज़ बनाइए, लैंडस्केपिंग बढ़िया हो गई, एमिनिटीज़ बन गई, अब रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट या सेकंड होम का प्रोजेक्ट या वैकेशन होम, हॉलीडे होम का प्रोजेक्ट आपको बहुत रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि जब लैंडस्केपिंग अच्छी बनी होती है, एमिनिटीज़ अच्छी बनी होती है, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन्वेस्ट करते समय। क्योंकि यहाँ पर ऐसे मॉडल होते हैं जहाँ आप उन्हें एक फिक्स भी रिटर्न मिल रहा है, मतलब उनका कैपिटल भी अप्रिशिएट हो रहा है, रेंटल रिटर्न भी मिल रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर स्टार्ट सेलिंग, जल्दी जल्दी बेचिए और उससे भी ज़्यादा जरूरी अपने ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन को मैनेज करके सही समय पे कंप्लीट कीजिए। अगर आपने जो कमिटमेंट किया था लोगों से उस हिसाब से आपने डेवलप कर दिया, सही समय पे डिलीवर कर दिया, तो आपका ब्रांड नेम बनता है। अगर रियल टाइम ब्रांड नेम बन गया तो इन फ्यूचर आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। और ब्रांड नेम तब बनता है जब आप समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, लोगों को आरओआई अच्छा देते हैं। ये सब चीज़ों को समझ कर, नोट डाउन करके बार बार देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अल्ट्रा सक्सेसफुल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप एक बहुत सुंदर हॉलीडे होम का, रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इन फ्यूचर इसकी चेन ऑफ रिजॉर्ट्स भी बना सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप चाहे तो हमारे बोल्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रिजॉर्ट के बिजनेस में और आपने ये पूरे 7 पॉइंट सुन लिए, लेकिन इससे पहले आपसे कभी कोई गलती हुई और आपने इस सब पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया, नीचे जरूर मेंशन करके बताइए कौन सा पॉइंट आपसे मिस हो। और किसी और टॉपिक पर इस फील्ड से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए फिर से लेकर आने। हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।